हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं गीता स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, थंबनेल देख के आप लोग को पता चल ही गया होगा और आप लोग इतने दिनों से वेट कर रहे हो इस दिन का, तो ऐसे भी आप सब लोग को बहुत टेंशन हो रहा होगा, बहुत कुछ हो रहा होगा अंदर अंदर। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जैसा कि पहले से ही डेट मिली हुई थी कि आज जो है सबसे प्रबल संभावना है 1 to 5 का रिजल्ट आने का, और हो सकता है क्योंकि बिहार का जितना भी न्यूज़ वगैरह जो भी नोटिस वगैरह आती है रात तक ही आती है। जैसा कि आप सभी का आंसर की फिर रिवाइज आंसर की सब कुछ आया रात में ही आया, मीन्स 8-9 बजे तक। तो इसी तरह से प्रबल संभावना है कि इस बार जो रिजल्ट भी आ रहा है TRE3 का, उसमें 1 to 5 का आज संभावना है आने की, और 6 to 8 का भी आ सकता है। तो आज रात तक आने की संभावना है। एंड यहाँ पे ये भी बताया गया है कि रिजल्ट आने के बाद आप लोगों की DV की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो DV में आपको क्या क्या लेके जाना है आज मैं उस पर दोबारा एक वीडियो बना दूंगी, तो आप लोग वो वाला वीडियो फिर से देख लीजिएगा। एंड आप सभी को तो मैंने पहले बहुत पहले बता ही दिया है कि क्या क्या लेके जाना है, बट आज फिर से एक वीडियो बना दूंगी। एंड बस मैं प्रे करूंगी कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए और जल्दी से आप लोग DV करा के अपने अपने स्कूल पे आएं और अपना जो ड्रीम जॉब है उसको करें, बच्चों के साथ समय बिताएं, बस यही है। एंड देखते हैं शाम तक रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छी बात होगी। वैसे आयोग ने बोला तो है आज रिजल्ट देने का, दे देता है तो बहुत अच्छी बात है। एंड बस सभी लोग प्रे करिए कि आज ही रिजल्ट आ जाए। मैं भी प्रे करती हूँ कि आप सभी का रिजल्ट आज आ जाए एंड आप सभी का सिलेक्शन उसमें हो। जिसके भी मार्क्स अच्छे हैं उन सभी का सिलेक्शन ज़रूर होगा, बस टेंशन नहीं लेना है। वैसे रिजल्ट आएगा तो शाम तक ही आएगा, अभी दिन में तो मुश्किल है आना, क्योंकि जितना भी आज तक मैंने देखा हुआ है सब शाम तक ही आता है। मीन्स हम लोग का रिजल्ट मैं कहूँ तो हम लोग का 9 बजे आया था और कुछ भी पता वता नहीं था कि रिजल्ट आज आने वाला है। हाँ, डेट था कि अभी हो सकता है आ जाए ऐसा ही था, बट अचानक से फिर रिजल्ट आ गया। बहुत सरप्राइज फील हुआ वो मोमेंट, तो बहुत ही अच्छा लगा। एंड ऐसा ही मैं सोचती हूँ आप सभी के साथ हो जाए और सिलेक्शन आप सभी का हो जाए और आप सभी लोग अपने मम्मी पापा की आंखों में वो आंसू देख सकें, जो वो चमक की आंसू होती है, खुशी के आंसू होते हैं, बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है वो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं एंड टेक केयर, आराम से रहिए, खाना पीना खाते रहिए, रिजल्ट आ जाएगा आज। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर।